ॐ शांति, ॐ शांति। आज सतगुरुवार के दिन साथ साथ अपनी प्यारी दीदी के निमित्त आप सबका याद प्यार लेके, जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन की सजावट भी अलग प्रकार की थी। नॉर्मली कभी मालाएं आदि से सजावट होती है, लेकिन आज वतन में चारों ही तरफ ऐसे लाइट की, जैसे तारा मंडल के अंदर स्टार्स चमक रहे हों, तो वो स्टार्स की तरह से, तारा मंडल की तरह से वतन में सजावट दिखाई दे रही थी। और वो स्टार्स में से भी बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी और चारों ही तरफ वतन ऐसे जगमगा रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद दूर से देखती हूँ कि एक लाइट का ग्लोब है, उसमें बाबा दिखाई दे रहे हैं और बाबा नजदीक आते हैं तो उस ग्लोब में बाबा के साथ दीदी भी दिखाई दे रही थी। और जैसे ही बाबा और दीदी पहुंचते हैं तो जो वतन में तारा मंडल की तरह स्टार्स दिखाई दे रहे थे, तो वो हर एक स्टार में से दीदी की अनेक प्रकार की विशेषताएं की माला बनी हुई दीदी के गले में डलती जा रही थी और दीदी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, दीदी आज कैसे लग रही है। मैंने कहा, दीदी तो बहुत सुंदर लग रही है। बाबा ने कहा, देखो कितने दिनों से प्यारी दीदी की आप विशेषताएं सुन रही हो और सुनते सुनते उसी का अनुभव कर रहे हो, तो आज भी बच्चे दीदी की विशेषताओं का ही वर्णन करते हुए उसी स्वरूप को सामने देख रहे हैं। तो दीदी मुस्करा रही थी, तो दीदी ने क्या किया, वो सारी मालाएं उठा करके बाबा के सामने अर्पण कर दी। कहती है, ये बाबा ने दिया है, ये बाप का ही कार्य है, बाबा ने ही सिखाया है और बाबा ने ही कराया है, तो ये सब कुछ बाबा ही करते हैं और मैं तो बाप के स्नेह में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करती रही। तो बाबा मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा, सब कुछ करते ही अपने आप को सदा ही ये अपने को गुप्त रखती रही और गुप्त पुरुषार्थ में ही बहुत कुछ इसने प्राप्त किया। फिर बाबा खुद बोले, बच्ची मालूम है कि आज दीदी कहाँ गए थे। मैं पूछूं, बाबा ने खुद मेरे को पूछा, बच्ची मालूम है कि दीदी कहाँ गई थी। मैंने कहा, जरूर ब्राह्मण परिवार के पास गई होंगी। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज दीदी ने देश विदेश के सभी सेंटर्स का चक्कर तो लगाया, स्नेही सहयोगी आत्माओं को भी विशेष प्रेरणा दी और आज के दिन जो दीदी के समीप थे वो भी विशेष अनुभव कर रहे थे। लेकिन आज दीदी ने क्या किया, तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक बहुत सुंदर लैब बनी हुई थी और लैब के अंदर काफी सारे जैसे फरिश्ते बैठे हैं,
एडवांस पार्टी के दादी मम्मा अन्य जितने भी थे जो फाउंडेशन के मेन स्ट्रॉन्ग जिन्होंने किया, वो सब के सब बैठे थे और दूर से एक गोला दिखाई दे रहा था और वो गोला था विश्व का गोला। तो हर एक के सामने जैसे लैब में बैठे होते ना, जैसे कोई रॉबर्ट बाहर ऊपर गया है या कोई ऊपर आसमान की ओर गया है, नीचे वो एक रिसर्च रूम में बैठे देखते रहते हैं। तो उसमें क्या देखा, तो वो जो वर्ल्ड का गोला था वो एकदम पहले परफेक्ट दिखाई दे रहा है, नई दुनिया का। जैसे हमारी नई दुनिया परफेक्ट होगी वैसा ही वो दिखाई दे रहा था। लेकिन जो रिसर्च रूम था, उस रिसर्च रूम में अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। एक सेक्शन में लिखा हुआ था स्थिरता, स्टेबिलिटी, तो उसमें लिखा हुआ था स्थिरता, और साथ में लिखा हुआ था समानता। तो जैसे वो क्या है, उस पर जब ध्यान देते थे तो वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर कभी कभी वो ऐसे ऐसे हिलती थी, जो उसकी लाइनें थी कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही हैं, तो उसमें ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था सर्व मर्यादाओं से परिपूर्ण। तो जो सब मर्यादों का परिपूर्ण है, तो उस पे ध्यान देते थे तो वो वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर कुछ कुछ सर्कल जो लाइट के थे, वो लाइट के सर्कल क्या होता था कि आधा आधा कटता जाता था। फिर तीसरे पे लिखा हुआ था बाप समान संपन्न। फिर चौथे पे लिखा हुआ था हर कलाओं से परिपूर्ण संपूर्णता। तो ये जब से लिखा हुआ था तो बाबा ने कहा, देखा आज दीदी और एडवांस पार्टी वाले पूरे ब्राह्मणों के पास जाकर के उनकी स्थिति को, और वो भी देख रहे थे और बार बार आपस में रूहान कर रहे थे कब ये संपन्न बनेंगे, कब हमारी नई दुनिया जल्दी से आएगी। तो बाबा ने कहा, दीदी को कहा, बताओ ये सब क्या है। दीदी मुस्कुरा रही थी और बाबा को कहती है, बाबा आप बताओ। तो बाबा ने कहा, अभी तक भी बच्चों के संकल्पों में स्थिरता नहीं आ रही है, कभी स्टेबल होते हैं और कभी नहीं होते हैं। तो उसका असर जो है हमारी नई दुनिया के ऊपर पड़ता है। तो बाबा ने कहा अपने संकल्पों को बहुत स्टेबल रखना है, स्थिर बनाना है और उनको ऐसा परफेक्ट बनाना है ताकि अपनी नई दुनिया के निर्माण के अंदर हर ब्राह्मण के जो विशेष सहयोग हैं वो सहयोग जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न कर सके। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा, दीदी की विशेषता रही, कुछ भी हो जाए ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को कम नहीं करना है, मर्यादा संपन्न रहना है। तो दीदी भी बहुत बार बार कहे, सबको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं जो हैं ये हमारी भविष्य दुनिया का विधि विधान बनाएंगी और ये मर्यादाएं ही हमारे दुनिया के लिए एक विशेष रीजन है जो हमारे को परफेक्ट बनाती हैं। तो बाबा ने फिर कहा, ये मर्यादाएं जो है न केवल अभी आपको सफलता का अनुभव कराएंगे, लेकिन आगे चल कर के जो समय भयानक आ रहा है, माया जो बाहर के आकर्षित रूप ला रही है और भ्रमित करने वाले जो रूप आ रहे हैं, वो मर्यादाएं इन भ्रमित रूप से और आकर्षित रूप से बच्चों को सेफ रखेंगी। तो बाबा बता रहे थे कि ये मर्यादाएं जो हैं ये सेफ्टी का साधन है
और इस बात पर सबको विशेष ध्यान देना है। फिर तीसरी बात, जिसे बाबा बता रहे थे कि सतयुग दुनिया में सर्वगुण संपन्न होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, तो अपने आप को क्या करना है, बच्चों को चेक करते रहना है कि एक तो आपस में यूनिटी रहे और कलाओं का भी आपस में वर्णन करते हुए उसको भी अंदर अंदर मनन करते हुए बाप समान बने। फिर बाबा ने कहा, देखो अभी समय है संपन्न बनने का, ये परिस्थितियाँ ही संपन्न बनाने के लिए बच्चों को प्रेरणा भी दे रही हैं और बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं, तो इसका ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ, जो भी एडवांस पार्टी के थे सारे सर्कल बना करके बाबा के सामने खड़े हो गए और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा के सामने मैंने भोग रखा तो बाबा ने कहा, पहले तो ये बच्ची बाप को भोग स्वीकार कराती थी, लेकिन आज बाप बच्ची को भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने जैसे वो भोग खोला तो दीदी बहुत प्यार से दृष्टि दे रही थी, उसी स्वरूप में जैसे कि दीदी मधुबन के अंदर विशेष ध्यान देती थी, वैसा ही कहती हैं कि मधुबन तो सबका प्यारा घर है और शक्ति का भंडार है और बाप से सर्व प्राप्तियों का खजानों का स्थान है, तो बच्चे यहाँ आकर के कितना कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन बाप के स्नेह में कभी कमी ना आए, अटूट निश्चय और बाप का हाथ पकड़ करके चलते रहें। फिर बाबा ने जैसे दीदी को भोग स्वीकार कराया और दीदी ने सब बाबा को सब एडवांस पार्टी वालों को भोग स्वीकार करा के कहती है, हम सब आपके साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय है, क्या बता रहा है कि जल्दी जल्दी घर वापस जाना है। तो फिर उसके बाद बाबा ने दीदी को कहा कि बच्चों को कुछ क्या दोगी, आज सबने याद भेजी है, जिन्होंने देखा है जिन्होंने नहीं देखा है, तो क्या सौगात दोगे। तो दीदी मुस्कुराने लगे। तो दीदी ने क्या किया, उस समय हाथ में एक ऐसा दिखाया, क्रिस्टल टाइप था वो, बिल्कुल ही जैसा कि ट्रांसपेरेंट था। तो दीदी कहती है, ये सबको कहना, बच्चों को सभी को, ये एक ऐसा याद, बाबा की याद एक ऐसी है, बाबा का प्यार एक ऐसा है जो हर बच्चे को ट्रांसपेरेंट बना देता है। तो ट्रांसपेरेंट के लिए क्लियर भी रहना है और हर समय अपनी बुद्धि को क्लीन रखना है और बाप से कनेक्शन बिल्कुल क्लियर रखना है। तो जैसे वो ट्रांसपेरेंट वाला क्रिस्टल सबको दिया ना, तो जैसे वो नहीं कहीं एक कांच होता है, शीशा होता है, इधर देखो तो मोटा दिखाई देता है, किसी में देखो तो लंबा दिखाई देता है, किस में देखो तो छोटा दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार के उसमें रूप दिखाई देते हैं। तो दीदी बता रही थी, अपने आप को चेक करने का एक ही साधन है कि बाप ही मेरा सब कुछ है, बाबा के साथ सर्व संबंध है, तो उन सर्व संबंधों में अपने को हर तरह का अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो बुद्धि इधर उधर गई तो उस क्रिस्टल में भी भिन्न भिन्न रूप दिखाई देंगे जो ना खुद को अच्छे लगेंगे ना दूसरे वाले देखने वाले को अच्छे लगेंगे। इसलिए बाप ही, बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही संसार है और बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है। इससे हर बात आपके सामने क्लियर भी रहेगी और ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई देगा। फिर तो सबको याद दिया और फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति।
आज बाबा के पास बतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाते ही बाबा को और सभी दादियों को विशेष रूप से दीदी को तो बाबा ने मर्ज किया था, पर बहुत संगठित रूप में दादियां दिखाई दे रही थी, जैसे कि सभी सखी बन आपस में रू रुहान कर रही थी, कुछ वार्तालाप कर रही थी। मैं जैसे कि नजदीक पहुंची तो बाबा को दीदी को कहा कि मैं आज आपके लिए भोग लेकर के आई हूं। सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की याद प्यार लेकर के आई हूं। तो बाबा कहने लगे, भले सदगुरु बार का दिन है और विशेष दीदी के निमित्त भी ब्राह्मण बच्चों की याद और भोग वतन में पहुंचा हुआ है, तो जैसे कि सभी दादियां, बड़ी दादी भी थी, दीदी भी थी, अन्य सभी दादियां थी, तो जैसे कि सभा देख, सखियों का रूप देख, आपस में वार्तालाप कर रही थी, आपस में ऐसे सुनाई दे रहा था कि हम लोग कब तक इस प्रकार अविक्त रूप से भ्रमण करते रहेंगे, ब्राह्मण बच्चों के पास चक्कर लगाते रहेंगे, सेवाएं करते रहेंगे। इस प्रकार की बातें रू रुहान के रूप में चल रही थी। तो बाबा भी दादियों की बातें सुनकर, एक सेकंड बाबा सुन भी रहे थे, बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची इनसे पूछो कि सभी नीचे क्या करते हैं। तो मैं तो चुप हो गई, अभी मैं तो क्या बोलूंगी बड़ों के आगे, बाबा और दादियों के आगे। तो बाबा ने एक दीदी का दृश्य दिखाया। दीदी का दृश्य था कि दीदी कहीं भी जाती थी, चाहे भंडारे में भी जाती थी, कहीं सेवा पर भी जाती थी, तो अपने साथ कुछ भाई बहनों को ले जाती थी। यदि भंडारे की तरफ भी गई तो दीदी के पीछे झुंड चलता था, भाई बहने चलते थे। तो बाबा कहने लगे कि जिस प्रकार साकार में दीदी कहीं भी सेवा अर्थ जाती थी तो दीदी के साथ भाई बहने जाते थे, तो उसी प्रकार दीदी सभी को उमंग उत्साह भी बहुत दिलाती थी और आगे बढ़ने की, आगे बढ़ाने की बहुत प्रेरणा देती थी औरों को। तो दीदी कहने लगी कि अभी वो सब इतनी बातें नहीं होती हैं, वो बाबा भी देख रहा है, दीदी भी देख रही है। तो जिस प्रकार दीदी ने लास्ट समय में अपनी स्थिति एक रस बनाई,
अब घर चलना है। कोई भी बात में एक ही रटना एक ही रट लगा के बैठी थी दीदी। तो जब दीदी ऐसे सुना रही हैं, तो बाबा भी दीदी की तरफ देख रहे हैं। तो दीदी कहती है कि हम लोग तो आपस में चर्चा कर रहे हैं संगठन रूप से, पर अभी भी कई ब्राह्मण बच्चों को अभी भी उपराम अंत का समय अंतिम नजारे अभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। दीदी बाबा की तरफ देखते हुए कह रही है। तो दीदी कहती बाबा आप ही कुछ करो और इनको कुछ प्रेरणा दो। बाबा कहते हैं कि दीदी को कि मैं तो बच्चों को हर प्रकार से समझाता हूँ, इशारे बाबा दे रहा है, पर बच्चे भी अपना यथाशक्ति यथा योग्य अनुसार ही पूरा समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता है। तो जैसे कि दादियों की महफिल एक तरह से लगी हुई थी और बाबा भी उनके बीच में बैठी हुई थी, बाबा मम्मा भी, तो बहुत ही सुंदर जैसे कि एक दरबार वतन की बाबा ने इमर्ज की दिखाया। बाबा भी कहने लगे दीदी को देख कि आज तो विशेष दीदी चारों तरफ से ब्राह्मण बच्चों की एक ही आवाज दिल की पहुंच रही है दीदी आपके लिए, और ऐसे लग रहा था कि वतन में आज बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियां बाबा के नजदीक और दीदी के नजदीक पहुंची हुई थी। तो बाबा ने कहा कि दीदी पहले आपको खिलाया जाए या बाबा पहले स्वीकार करेगा। तो दीदी ने कहा नहीं, बाबा पहले आप स्वीकार करेंगे, पीछे हम सभी सखियां को आप खिलाएंगे। तो बाबा ने पहले जैसे कि भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए कहा कि आज तो जिस प्रकार साकार में भी दीदी को खाने का और खिलाने का बहुत शौक होता था, और थोड़े से भी भाई बहने होते थे तो झट दीदी पिकनिक का भी प्रोग्राम रख लेती थी। तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए दीदी बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराती हैं। अन्य दादियां भी बहुत प्यार से भोग की थाली की तरफ देखते हैं। तो बाबा ने जैसे कि भोग पहले स्वीकार किया और दीदी को भी सबसे पहले खिलाया। दीदी को बाबा ने कहा कि दीदी आज तो आपके निमित्त है, पर आपकी सखियां भी वतन में इमर्ज है तो उनको भी बाबा खिलाता है। तो ऐसे लग रहा था कि आज वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य था और बाबा ने सभी आदि रत्नों दादियों को जो इमर्ज किया, और इमर्ज करते ऐसे लग रहा था सभी के सिर के ऊपर बहुत ही सुंदर एक कहीं तेजस्वी प्रकाश में ताज बाबा ने उन सब दादियों को पहनाया हुआ था। बाबा ने कहा कि ये बच्चियां मेरी भविष्य में होवनहार महारानी महाराजा बनने वाले हैं। बाबा इनका वही आदि स्वरूप अनादि स्वरूप आज वतन में देख रहा है, क्योंकि इन बच्चियों ने विशेष शुरू में जो त्याग तपस्या की है, बाबा वो दादियों का दादाओं का वो स्वरूप देख रहे हैं। तो जैसे कि बाबा ने वह रूप इमर्ज किया तो दीदी को मैं कह रही हूँ कि दीदी आपको सुनाएंगे सभी बाबा के बच्चों के लिए। तो दीदी बड़ी मीठी दृष्टि से देखते हुए कहती है कि
सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे अभी लास्ट समय चल रहा है, लास्ट समय का बच्चों के आगे ब्राह्मण बच्चों भाई बहनों के आगे वो दृश्य मर्ज होते रहना है और उसी अनुसार पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। समय आने के पहले आप ब्राह्मण बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए नई दुनिया की तो तैयारी है ही फुल, पर पहले आप बच्चे एकदम परफेक्ट और संपूर्ण बन जाएं। उसी आशा में हम दादियां वतन में बीच बीच में इमर्ज होते हैं और आपस में उसी रूप में रू रुहान करते हैं। तो दीदी, जैसे कि इतना सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को इमर्ज करते दीदी ने और बाबा ने, अन्य दादियों ने भी बहुत बहुत सभी ब्राह्मण बच्चों को, चाहे देश को चाहे विदेश के बच्चों को, भाई बहनों को स्नेह भरी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। बाकी तो कई बाबा के बच्चों का भी भोग था, वह भी याद दी और बाबा ने भी उन्हें बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार सभी के पित लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। हेलो, दीदी की यादें आई जब आया मास जुलाई, दीदी दादी की जोड़ी वो जा सकती नहीं भुलाई, स्नेही लखियां भराई, स्नेही लखियां भराई। हम सब दीदी जी की स्मृति में ये गीत सुनते हैं। जब आया मास जुलाई, की यादें आई जब आया मास जुलाई, दीदी दादी की जोड़ी वो जा सकती नहीं भुलाई, करीब जो भी सम्मोहित कर लिया था, दीदी मन मोहिनी ने हर मन को मोह लिया था, संपूर्ण समर्पण होकर हर नाता तोड़ लिया से, जादू करके बाबा से जोड़ दिया था, वो पालना वो प्यार गजब का सबने महिमा गाई, दीदी की यादें आई जब आया मास जुलाई।
शादी दो दे एक जान सभी कहते थे सूझ बूझ सम्मान एकता एक ही बन रहते थे रमणीकता गंभीरता बालक मालिक पन का संतुलन सबने देखा दीदी में लौ और लाखा निर्भय निश्चिंत रही वो थी सच्चाई सफाई दीदी की यादें आई जब आया मास जुलाई मस्तानी गोपी सार्थक नाम किया है तप त्याग पढ़ाई सब में पहला स्थान दिया है आदर्श विद्यार्थी का जब भी नाम लिया है बाबा बाबा कहकर बाबा का काम किया है अब घर चलना कहती क्या करके दिखाई दीदी की यादें आई जब आया मास जुलाई सकती नहीं बुराई स्नेहिल अखियां भर आई दीदी की यादें आई जब आया मास जुलाई दीदी की यादें आई जब आया मास जुलाई स्नेहिल अखियां भर आई स्नेहिल अखियां भर आई।